बताऊंगी आपको ये वाला डिज़ाइन शुरू से कैसे, इसके छः फंदे डले हैं शुरू से। अब ये दो मैंने वैसे सीधे उठाए हैं, तो एक ये उल्टा उठाया है, अब दूसरा उठाएंगे उल्टा, ये उल्टा है, अब दूसरा उल्टा। अब इन तीन को ऐसे निकाल के, इस दो को ये इस तरफ करके और इसको इस तरफ करके, धागा इस तरफ किया, ये अब इन दो को इसको छोड़ूंगी ऐसे करके, इन दो को बनाऊंगी पहले, एक दो, इसको उठाना है, इसको इस तरफ करना है ऐसे, फिर इन दो को उल्टा, दो उल्टा, और इसको सीधे को सीधा ही, फिर इस तरफ किया, इसको उल्टे को उल्टा ही, ये जो दो उल्टे हैं ये वाले दो, और एन छः को सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये एक दो उल्टे, और इसको ये इजाफी हुआ था, इसको एक कर दूँगी। अब इसको एक, अब इसको ऐसे ही बनाऊंगी, तीन सिलाई उधर से, एक समझ ले तीन चौथी पे पड़ता है, ये छः इनको ऐसे ही उठा दिया, इसको ऐसे ही, इसको ये आखिर इसमें दो चार पाँच पाँच छः एक दो, ये देखिए अब आगे ये एक दो, याद रखें ये तीन छोड़ के चौथी सिलाई पे पड़ता है, ये तीन सिलाइयाँ बना के तो चौथी पे पड़ता है, ये इसको पहले बनाया ऐसे, अब इस एक को निकाल के ये भी नहीं, ये भी इसको मैं ऐसे करके रखती हूँ दो, क्योंकि निकल जाता है ऐसे, ये देखिए अब इसको एक दो, अब फिर तीन सिलाई के बाद ये पड़ेगा, अब एक सिलाई और लेती आऊँगी तो बस अच्छी पूरी हो जाएंगी, ये देखिए ये वाली चीज़ डाल दीजिए, अभी
अब फिर तीन सिलाई बना के, एक दो तीन, तीन बना के चौथी पे फिर ऐसे सीधी पे सीधी, उल्टे पे उल्टे। एक उठाया, दो दो, फिर वही दो पे निकाल के, दो जी। अब ये देखिए बन गई, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी ये भी नहीं, छोटी फिर बनानी है ये वाला। अच्छा अच्छा, और ये वाली चीज, ये इसके फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः रो भी बोल सकते हैं। फिर आगे ये बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला नेक्स्ट वीडियो वाला डिज़ाइन। उसके वीडियो के बनाऊंगी।